सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु माता जी का हर पल हम शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह हमें हर पल पॉजिटिविटी के साथ ही जोड़ रहे हैं कि हमने अपने पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, हमने अपने मन को विशाल बनाना है। और कहते हैं कि तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में, परोपकार के कारणे चारों धारे दे। कहते हैं कि तरवर यानी कि पेड़, सरवर तालाब और संत जन संत महापुरुष और मेघ बादल, ये चारों ही देने का काम करते हैं। लेकिन ये निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से दिए चले जाते हैं। इनके मन में कोई लेने की इच्छा नहीं होती, कोई फल की इच्छा नहीं होती। ये हमेशा निष्काम भाव से सेवा करते चले जाते हैं। जैसे गीत की वो पंक्तियाँ भी सुनने में आती हैं, ना हो कामना फल की, किए जा कर्म, कि सेवा ही सेवक का रहा है धर्म। जो सच्चा सेवादार होता है उसका धर्म यही होता है कि मैंने दूसरों की सेवा करनी है। जो ये मुझे जन्म मिला है, ये सेवा सिमरन सत्संग करने के लिए मिला है। वो फल की कोई भी इच्छा रख के किसी की सेवा नहीं करता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से, आप संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से ये स्टोरी शेयर कर रही है। आप जी परवान करना, अगर कोई दासी से गलती हो जाए तो क्षमा करना। साध संगत जी कहते हैं, किसी गांव में बरगद का एक पेड़ बहुत सालों से खड़ा था। गांव के सभी लोग उसकी छाया में बैठते थे। गांव की लेडीज फेस्टिवल्स पर इस पेड़ की पूजा किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और कई सालों बाद यह पेड़ सूखने लगा। इसकी शाखाएं यानी कि टहनियाँ टूट कर गिरने लगी और इस पेड़ की जड़ें भी कमज़ोर हो चुकी थी। गांव वालों ने विचार किया कि अब इस पेड़ को काट दिया जाए और इसकी लकड़ियों से जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन लोगों के लिए झोपड़ियाँ बनाई जाएं। गांव वालों को आरे कुल्हाड़ी लाते देख बरगद के पास खड़ा एक पेड़ बोला, दादा आपको इन लोगों की इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि ये कैसे मतलबी लोग हैं? जब इन्हें आपकी ज़रूरत थी तब ये आपकी पूजा किया करते थे, लेकिन आज आपको टूटते हुए देखकर ये काटने चले हैं। बूढ़े बरगद ने जवाब दिया, नहीं बेटे, मैं तो यह सोचकर बहुत खुश हो रहा हूँ कि मरने के बाद भी मैं आज किसी के काम आ सकूँगा। सत्संगत जी, इस स्टोरी से हमें यही लेसन सीखने को मिलता है, यही शिक्षा मिलती है कि परोपकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखते हैं और उनकी खुशी और सुख में अपना सुख समझते हैं और अपनी हमेशा पॉजिटिव थॉट रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। हम हमेशा अपनी सकारात्मक सोच, अच्छी सोच रखते हैं। सतगुरु भी हमें यही सिखा रहे हैं कि जो भी मिले हमने हर पल इसका शुक्राना करते हुए उसी में अपने जीवन का गुजारा करना है। दातार कृपा करे कि जहाँ सारी परिस्थितियाँ पॉजिटिव हों, जहाँ सारी परिस्थितियाँ जैसे भी हों, जो भगत जन संत जन महापुरुष होते हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाते चले जाते हैं। हमेशा हर सिचुएशन को वो पॉजिटिव ही लेते हैं।
कभी भी वो नेगेटिव नहीं सोचते। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों में एक बार हमें समझाया कि हमने संकीर्ण नहीं बनना, हमने विशाल बनना है। हमने अपनी छोटी सोच नहीं रखनी, हमने अपनी सोच विशाल रखनी है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें बताया कि दासी की एक बच्चे से बात हुई तो उस बच्चे ने बताया कि उसने घुड़सवारी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया और उस हॉर्स राइडर बच्चे को कंपटीशन के लिए नया घोड़ा मिला, इसलिए वह घोड़े को काबू नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि कंपटीशन बड़ा ही नज़दीक था और वह अपना प्रैक्टिस भी नहीं छोड़ सकता था। घोड़े का अपना स्वभाव होता है और जो नया घुड़सवार होता है वो नए घोड़े से अच्छी तरह जानकार भी नहीं होता, उसे पता भी नहीं होता कि इस घोड़े को किस तरह से काबू करना है। यह वो बच्चा कहता, जब उस बच्चे से पूछा गया कि इस सिचुएशन में उसने घोड़े को कैसे काबू किया और कैसे उसने प्रैक्टिस को अपने कंटिन्यू रखा, तो बच्चे ने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि उसने घोड़े को गुड़ और चने खाने को दे दिए। घोड़ा उसको बहुत शौक से खाता और घोड़े को पता ही नहीं चलता कि कब काठी उस पर बांध दी जाती और कब घुड़सवार लगाम हाथ में लेकर उस काठी पर बैठ जाता। वह डेली उस घोड़े को उसका मनपसंद खाना खिलाता और घोड़े को बहुत अच्छा लगता। इस तरह वह बालक प्रैक्टिस करता रहा। धीरे धीरे उस बालक की दोस्ती घोड़े से हो गई। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें लगता है कि दूसरे का स्वभाव ठीक नहीं है तो दूसरे का स्वभाव ठीक करना भी हमारे हाथ में है। फिर हम स्वयं को भी विपरीत भावों से बचा सकते हैं। अपने मन को हमने सही रखना है, अच्छी सोच देनी है, हर एक को साथ लेकर चलना है। हमने स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं बनना है, हमने एक दूसरे के काम आना है और सबको जोड़ कर रखना है। जैसे हमारे मिशन का नारा भी है, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, इसी तरह हमने हर एक के साथ प्यार से रहना है, प्यार से सभी के साथ बनाकर मिलवर्तन की भावना से रहना है। अगर कोई कोई बात कह भी देता है तो हमने उसको पॉजिटिव तरीके से लेना है, हमने पॉजिटिव सोच ही उसमें रखनी है, कभी भी हमने उसको गलत तरीके से नहीं लेना है। उस बात पे हमने कभी भी बुरा नहीं मानना है, हमने हाथ जोड़ देने हैं और यही, चाहे हमारी गलती नहीं भी है तब भी हमने यही कहना है कि हम सब एक ही परिवार के मेंबर्स हैं, हमने मिलकर रहना है। जब हमारी सोच ऊंची होगी, हमारी विशाल सोच होगी, तो फिर सभी इस तरह जुड़े रहेंगे। हमने जोड़ने का काम करना है, हमने तोड़ने का काम नहीं करना। कोई भी मेरे मिशन का फूल टूटे नहीं, कोई भी रूठे नहीं। जब हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, प्यार से चलते हैं, तो ये सतगुरु सच्चा पातशाह बहुत खुश होता है। जिस तरह सभी बच्चे मिलकर रहते हैं तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। इसी तरह जब सभी आपस में मिलकर भाई बहन रहते हैं, सभी अपने गुरु भाई बहन मिलकर आपस में प्यार से रहते हैं, तो ये सतगुरु सच्चा पातशाह बहुत ही खुश होता है। अगर हमारा सतगुरु निरंकार खुश है तो फिर हमारे जीवन में अच्छाई ही अच्छाई है, खुशियां ही खुशियां हैं, सुख ही सुख लेने मिलते चले जाते हैं। अगर हमने सुख लेने हैं तो सतगुरु के चरणों से जुड़कर इन संतों महापुरुषों के साथ प्यार करना है। ऐसे ही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक हमें और कहानी के थ्रू भी समझाया कि एक किसान ने अपने खेत में मक्का बोया। हर साल उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी, उसके मक्के की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी और आसपास के गांव वाले उस किसान से पूछते कि आपकी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है, यद्यपि मिट्टी तो हमारी एक जैसी ही है। तो इस पर
किसान कहता कि मैं दो बातों का हमेशा ध्यान रखता हूँ, एक तो मैं सबसे अच्छी किस्म के बीज डालता हूँ और दूसरी बात यह है कि जो मेरे खेत के साथ लगे हुए खेत हैं, सटे हुए खेत हैं, उनके मालिक को कहता हूँ कि आप अपनी फसल के बीच में मेरे वाली फसल के थोड़े से बीज डाल दें, क्योंकि जब हवा चलती है वो आसपास के खेतों से पोलन लेते हुए मेरे खेत में पहुंचती है। मक्के की क्वालिटी ऐसी होती है कि जब पोलन से युक्त अच्छी हवा चलती है तो मक्का भी अच्छा उगता है। पोलन मीन्स पराग, पराग बोलते हैं उसको। पराग से युक्त अच्छी हवा चलती है तो मक्का भी बहुत अच्छा उगता है। उसने सबको साथ लेते हुए फसल उगाई, जहाँ उसकी फसल अच्छी हुई वहीं दूसरों की फसल भी अच्छी हुई, क्योंकि उसने जो बीज वो बो रहा था उसने साथ वाले खेत जो लगते थे वो खेत के मालिक को भी बीज दे दिए ताकि उनकी भी फसल अच्छी हो जाए। यानी कि यहाँ पर भी उसने अच्छी भावना रखी, अच्छी सोच रखी तो रिजल्ट अच्छा ही आया। इसी तरह दाता कृपा करे हम सब भी अपने मनों को विशाल बनाते चले जाएं। यदि मन में ऊंच नीच जाति पाति या अंधविश्वास के भाव आ जाएंगे तो ये जो सोच है ये संकीर्ण छोटी होती चली जाएगी, ये हृदय विशाल नहीं हो पाएगा। जिस तरह एग्जाम्पल देकर हमें सतगुरु माता जी समझाते हैं कि एक हाथी को रस्से से बंधा देखकर हैरानी होती है, पर उसका कारण जाना तो पता चला कि वह क्यों बंधा है। हाथी जब छोटा सा था तो उसका मालिक उसे रस्सी से बांध कर रखता था, तब हाथी इतना बलवान नहीं था कि रस्सी को तोड़ पाता। हाथी हर बार बाहर जाने की कोशिश करता था पर रस्सी उसे रोक लेती थी। धीरे धीरे उसने कोशिश करनी ही बंद कर दी। वह बड़ा तो होता गया पर उसके दिमाग में यही बैठ गया कि रस्सी मुझे रोक लेती है। अब वह पूरी तरह बलवान हो गया था, उसके लिए रस्सी तोड़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन अपनी पुरानी आदत के कारण वह यही सोचता रहा कि मैं रस्सी नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी अपनी किसी पुरानी आदत को उम्र भर साथ लेकर चल रहे हैं जो हमें उलझन में डाल रही है और हमारी प्रगति को भी रोक रही है। यह चुनाव हमारे हाथ में है। दातार से अरदास करें कि हमें ऐसी सूझबूझ दें ताकि निरंकार का ध्यान हर समय रहे, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए शुक्राने का भाव बरकरार रखते हुए हमने सेवा सिमरन सत्संग करना है। हर पल हमने सतगुरु निरंकार का शुक्राना करना है। शिकवे से शुक्राने में आए, संसार के लिए और अपने लिए भी हमने अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह चाहे परिस्थिति कैसे भी हो इस निरंकार का ध्यान बना रहे, सबका भला करना मेरे मालिक दीनदयाल सच्चे पातशाह। इस तरह हमने हर एक के भले की ही कामना करनी है और हर पल सेवा सिमरन सत्संग का जज्बा हमारे मन में बना रहे और सबकी सेहत भी ठीक रहे, सबके काम काज भी अच्छे रहे, सबके काम काज में भी बरकत हो, सभी प्यार से मिलवर्तन से अपने घर में रहें। ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी जो स्वर्ग है तेरे दर माता। सासी सभी के लिए सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है सच्चे पातशाह सभी के घरों में स्वर्ग हो, सभी का घर मंदिर की तरह लगे, जिस तरह मंदिर में पूजा होती है इसी तरह हर घर मंदिर बन जाए और हर एक जीती जागती मूर्ति की पूजा की जाए। जब जीती जागती मूर्ति की पूजा होती है तो ये सतगुरु निरंकार बहुत खुश होता है। ये यही चाहता है कि जब भी खाना खाने लगो पहले अपने साथ वाले को भोग लगाओ, क्योंकि जब भोग लगा दिया जाता है तो हर घट में ये निरंकार का वास है, तो समझो कि सतगुरु निरंकार को भोग लग गया। इस तरह इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हुए हमने खुशी खुशी अपना जीवन बिताना है।
दासी सभी के लिए सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करती है। हे सच्चे पातशाह, हमें डोलने से बचा कर रखना। मेरा डोले ना इतबार, साडा डोले ना इतबार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार, असी करिए संतान का सत्कार। दासी सभी के लिए मांग रही है कि हम सब का कभी भी विश्वास ना डोले और हम हमेशा संतों महापुरुषों का आदर सत्कार करते चले जाएं और सतगुरु की रहमतें पाते चले जाएं और सतगुरु माता जी के इतने लायक बच्चे बने कि सतगुरु को भी नाज हो अपने बच्चों पर और सतगुरु खुश हो जाए। सतगुरु की हर एक शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हुए हम अपना ये जीवन गुजारते चले जाएं। सतगुरु की शिक्षा से तो मन के भाव बदलने लगते हैं, सतगुरु की शिक्षा से तो सच की राह पे चलने लगते हैं। जब सतगुरु की शिक्षा मन में बस जाती है तो फिर ये सच्चाई के रास्ते पर अपने आप ही इंसान चलता चला जाता है, क्योंकि जब इस निरंकार का वास हो जाता है, हर पल इसका सिमरन होता है, तो फिर मन में कोई ऐसी वैसी बात दूसरी आती ही नहीं है। जैसे कहते हैं कि मन तो एक है, चाहे इसे संसार में लगा लो या निरंकार में लगा लो। जब ये निरंकार में लगता है तो ये सत्संग सेवा सिमरन की बातें ही मन में लाता है, और जब संसार की बात होती है तो फिर ये माया की बातें ही आती हैं। इसलिए कहा है कि मन एक है, मन तो सातो एक है लेकिन कितने रंग बदलता है। कहते हैं कि मन एक है लेकिन ये चंचल भी है, तो इसलिए कहा है कि डोलन ते राखो प्रभु नानक जन देकर हाथ। सच्चे पातशाह अपना मेहर भरा हाथ रखना और हमें डोलने से बचा के रखना और इस मन को हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना, हमारे भूलों को बख्शना, कृपा बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। सास संगत जी दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।